कुमाऊं मंडल में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए भी अब चुनौती बनती जा रही हैं, जिसके बाद अब डीआईजी नीलेश आनंद भरड़े ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर हल्द्वानी में हुई पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ज्वेलर पर फायरिंग की घटना का भी जल्द पर्दाफाश करने की बात कही है। वहीं बीते दिवस उधम सिंह नगर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में दो बदमाशों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही डीआईजी ने हल्द्वानी से एंटी न्यूसेंस स्क्वाड की शुरुआत की है, जो एक सप्ताह तक अपराधियों के अलावा अन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाएगी। इस अभियान में कुमाऊं मंडल के पहाड़ी जनपदों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरड़ ने एंटी न्यूसेंस स्क्वाड की शुरुआत करते हुए पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि अपराधियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए पुलिस निडर होकर काम करे, किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुमाऊं रेंज की जितनी भी पुलिस अन्य पहाड़ी जनपदों की है, ये हल्द्वानी में आज इकट्ठा की गई है। और हल्द्वानी में जो है पिछले कुछ दिनों में थोड़ा क्राइम में जो इजाफा हुआ है, उसके अलावा जो ऐसे रोड पे जो लोग शराब पीते हैं, नशेड़ी है, जो आवारागर्दी करते हैं, छिटागसी करती है, तेज बाइक चलाते हैं, जो मतलब रास्ते पर जो है वो पुलिस के साथ रोजाना वो जिसकी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे जो पार्क है, पार्क में गाड़ियों में लोग जो है शराब पीते हैं, तो ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी पुलिस के पास। तो ये एक पूरा दस्ता बनाया गया, तो इसमें जो है लगातार ये एक हफ्ते तक, जैसा हमने पिछली बार जो है सत्यापन अभियान नैनीताल में चलाया था, जिसमें कई लोगों के चालान हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, फेक जो है वो आधार कार्ड पकड़े थे हमने नैनीताल सत्यापन में, कई लोग जो है वहाँ से क्रिमिनल लोग नैनीताल छोड़ के चले गए थे एक सप्ताह का, वैसे ही एक सप्ताह का ये अभियान चलेगा, जिसमें ऐसे लोग जो पुलिस से जो है वो मजाक उड़ाते हैं या बैठे रहते हैं, शराब पीते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी।